डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में आज हम पढ़ने जा रहे हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का हमारा जो लेक्चर है उसका सेकंड पार्ट है। इससे पहले वाला जो पार्ट हम लोगों ने देखा या अभी तक आप लोगों ने उसको नहीं देखा तो आप लोग उसको देखें, पढ़े और समझें क्या है। तो पहला जो पार्ट दिया हुआ है, पहले पार्ट में आ रहा है कि रूल्स फॉर द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कैसे होगी उसके रूल्स उसके अंदर दिए हुए हैं। उसके बाद में उस लेक्चर के अंदर एक और टॉपिक दिया हुआ है, वो है LCAO, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। और उसके बाद हमने उसके अंदर बात करी थी कि एटॉमिक ऑर्बिटल और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में क्या डिफरेंस होता है और स्टेबलाइजेशन एनर्जी में, यानी दो एटॉमिक ऑर्बिटल जब कंबाइन होते हैं तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन कैसे होता है। अब इसके बाद में इस वो ये जो सब हमने पढ़ाया हमारे फर्स्ट पार्ट में था। अब हम आ गए सेकंड पार्ट में। इस सेकंड पार्ट का जो हमारा लेक्चर है इसमें पढ़ने जा रहे हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी यानी आणविक कक्षक सिद्धांत का आगे का पार्ट। वो दिया हुआ है रूल्स ऑफ द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल यानी परमाणु कक्षकों के रेखीय संयोजन के नियम। अब परमाणु कक्षकों के रेखीय संयोजन के नियम देखें तो सबसे पहला रूल आपको दिखाई दे रहा है सेम एनर्जी ऑफ कंबाइनिंग ऑर्बिटल्स। पहली कंडीशन क्या है, पहला रूल क्या है, सेम एनर्जी ऑफ कंबाइनिंग ऑर्बिटल्स। जो ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी एनर्जी क्या होना चाहिए, सेम, यानी लीनियर कॉम्बिनेशन में पार्टिसिपेट करने वाले दो एटॉमिक ऑर्बिटल जो होंगे उनकी एनर्जी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। इसमें हम लोग देखते हैं कि द कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल मस्ट हैव सेम और नियरली सेम एनर्जी, यानी कि जो दो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइन करके दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं तो उनकी एनर्जी क्या होना चाहिए। तो इसमें लिखा मस्ट हैव सेम और नियरली सेम, या तो दोनों की एनर्जी समान होना चाहिए या लगभग समान होना चाहिए। आगे बात आती है कि दिस मींस दैट टू बी ऑर्बिटल ऑफ एन एटम कैन कंबाइन विद एन अनादर टू बी ऑर्बिटल ऑफ अनादर एटम बट 1s एंड 2p कैन नॉट बी कंबाइंड एज दे हैव ए एप्रिसिएबल एनर्जी डिफरेंस। कहने का मतलब इसके अंदर यह है कि जब एक 2p ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा है तो डेफिनेटली एक एटॉमिक ऑर्बिटल का 2p ऑर्बिटल है तो दूसरे एटॉमिक ऑर्बिटल का भी क्या होना चाहिए, 2p ऑर्बिटल होना चाहिए। इसमें ऐसा कहा गया है कि यदि एक का 2p और एक का 1s होगा तो ये आपस में कंबाइन नहीं होते हैं। यानी कहा क्या गया है, इसमें कहा गया है कि एक एटॉमिक ऑर्बिटल का 2p ऑर्बिटल दूसरे का भी 2p ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं। नेक्स्ट जो रूल दिया हुआ है वो क्या है, सेम सिमेट्री अबाउट द मॉलिक्यूलर एक्सिस। यानी क्या कहा गया है, मॉलिक्यूलर एक्सिस जो होगी उनकी सिमेट्री क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। यानी कि ओवरलैपिंग यानी अतिव्यापन में भाग लेने वाले कक्षक उपयुक्त सिमेट्री के होना चाहिए। अर्थात कहने का मतलब ये कि जो कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल है उनकी सिमेट्री क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, और उनमें इंटर न्यूक्लियर एक्सिस पर क्या होना चाहिए, रोटेट हो जाना चाहिए। तो इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है कि द कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल शुड हैव द सेम सिमेट्री। उसने जोड़ दिया शुड हैव द सेम सिमेट्री, यानी कि सिमेट्री दोनों की क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। Around the molecular axis, यानी molecular axis के चारों ओर, for the proper combination, otherwise the electron density will be surprised। मतलब कहने का ये है कि कुल मिलाके जो दो atomic orbital combine हो रहे हैं दोनों की symmetry क्या होना चाहिए, match होना चाहिए, तभी जाके उनमें क्या होगा, proper combination हो जाता है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विल बी सेपरेट, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है, चारों ओर डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। क्लियर है? तो इसमें ये कहा गया है कि जब हम कह रहे हैं कि एक एटॉमिक ऑर्बिटल का पीजेड होगा तो डेफिनेटली दूसरे का भी क्या होना चाहिए, पीजेड होना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि पीजेड पीएक्स और पीवाई के साथ में ओवरलैपिंग करे। यदि ओवरलैपिंग करता है तो ओवरलैपिंग इजीली नहीं होती है। तो इसलिए क्या कहा गया है, इसमें सीधा सा कहा गया है कि जो ओवरलैपिंग होगी वो सेम सेम ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग होती है। नेक्स्ट और थर्ड और लास्ट जो उसकी कंडीशन आती है वो प्रॉपर ओवरलैप बिटवीन द एटॉमिक ऑर्बिटल।
प्रॉपर ओवरलैप बिटवीन द एटॉमिक ऑर्बिटल, या इसमें हम कह सकते हैं कि मैक्सिमम ओवरलैपिंग भी कह सकते हैं, यानी परमाणु कक्षक यानी कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनमें मैक्सिमम ओवरलैपिंग होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा उनमें अतिव्यापन होना चाहिए। इस ओवरलैपिंग के कारण न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है, जिसके कारण न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉनों के बीच में लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स इंक्रीज हो जाता है और न्यूक्लियस में परस्पर म्यूचुअल जो रिपल्शन होता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो हम लोगों ने यहां पर परमाणु कक्षकों के रेखीय संयोजन यानी लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल की तीन कंडीशन या तीन रूल्स देखे। पहली कंडीशन की बात हुई सेम एनर्जी ऑफ कंबाइनिंग ऑर्बिटल, पहली जो ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनकी एनर्जी सेम होना चाहिए। दूसरी हम लोगों ने कहा सेम सिमेट्री अबाउट द मॉलिक्यूलर एक्सिस, यानी मॉलिक्यूलर एक्सिस पर सिमेट्री सेम होना चाहिए। और थर्ड कंडीशन हम लोगों ने इसके अंदर कही है प्रॉपर ओवरलैप बिटवीन द एटॉमिक ऑर्बिटल, यानी उसके अंदर मैक्सिमम ओवरलैपिंग होना चाहिए। इसके बाद में हम लोग बात करेंगे, अब लोग यहां पर रूल्स के बाद में चलेंगे डेजिग्नेशन यानी आणविक कक्षकों का निर्देशन कैसे किया जाता है, यानी उसको डेजिग्नेशन कैसे किया जाता है। अब हम बात कर रहे हैं डेजिग्नेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल यानी आणविक कक्षकों का निर्देशन। जिस प्रकार हम लोग एटॉमिक ऑर्बिटल की बात करते हैं, यानी कि हम लोग परमाणु कक्षकों का रिप्रेजेंटेशन करते हैं, उनका नोटेशन करते हैं, उनका डेजिग्नेशन करते हैं, उसी तरीके से डेफिनेटली मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल यानी कि आणविक कक्षकों का भी निर्देशन किया जाता है। तो हम लोग एटॉमिक ऑर्बिटल यानी परमाणु कक्षकों को s p d f आदि से रिप्रेजेंट करते हैं। उसी प्रकार से जब डायएटॉमिक मॉलिक्यूल की बात की जाएगी तो हम लोग इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल यानी कि आणविक कक्षकों की बात करें तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का जब नोटेशन किया जाएगा, डेजिग्नेशन किया जाएगा, तो उनको हम लोग किससे बात करते हैं, तो पहला तो होता है सिग्मा, दूसरा जो नोटेशन होता है उसको हम लोग कहते हैं पाई, और तीसरा जो नोटेशन होता है वो होता है डेल्टा। ये तो हम लोग सिग्मा पाई और डेल्टा से उनका डेजिग्नेशन यानी निर्देशन कर सकते हैं। ये बात होती है किसकी, एटॉमिक ऑर्बिटल के बॉन्डिंग वाले पोर्शन की। तो ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की बात हो रही है। यदि हम एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की तरफ चलेंगे तो इन सब पर जो नोटेशन हम लोग बता रहे हैं उस सब पर क्या आ जाएगा, स्टार, यानी कि स्टार के द्वारा उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसको सिग्मा स्टार पाई स्टार इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। जब हम इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के चारों ओर की बात करते हैं तो वो सिलेंड्रिकल सिमेट्री होती है, और वहां पर जब सिलेंड्रिकल सिमेट्री होगी तो ऐसी कंडीशन में उसको सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो हमने क्या कहा, सिग्मा के लिए क्या बात होती है, तो सिलेंड्रिकल सिमेट्री की बात होती है। कौन सी सिमेट्री की बात होती है, सिलेंड्रिकल सिमेट्री की बात होती है। सिलेंड्रिकल सिमेट्री का मतलब होता है बेलन सम्मिति, ठीक है। तो जब सिलेंड्रिकल सिमेट्री की बात होती है तो वहां पर हम कह रहे हैं कि सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वे होते हैं जिनमें इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के चारों ओर सिलेंड्रिकल सिमेट्री यानी कि बेलन सम्मिति होती है। इसी टाइप से पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की बात जहां पर होगी वहां पर पी ऑर्बिटल का क्या होगा, उनकी साइड वाइज बात होगी, तो उनकी साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जब ओवरलैपिंग होती है तो ओवरलैपिंग हमने कितने तरीके से पढ़ी है, तो थ्री टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग, कौन कौन सी, एस एस, आगे बात करते हैं, एस पी,
और पीपी जो होती है वो टू टाइप की होती है, एक तो होती है को एक्शियल और दूसरी होती है साइड वाइज ओवरलैपिंग। तो यहां पर सिग्मा, यहां पर भी सिग्मा और यहां पर सिग्मा, जबकि सिर्फ साइड वाइज में क्या बनता है पाई। तो सिग्मा बॉन्ड का जो फॉर्मेशन होगा वो एसएस ओवरलैपिंग में यानी सिलेंड्रिकल ओवरलैपिंग, एसपी ओवरलैपिंग में और कोएक्सियल ओवरलैपिंग, तो इन तीनों को हम लोग सिलेंड्रिकल सिमेट्री यानी बैलेंस सममिति के नाम से जानते हैं, जबकि जो साइड वाइज होगी उसको साइड वाइज के नाम से ऐसा कैसे हम लोग जानते हैं। तो सिग्मा ऑर्बिटल का फॉर्मेशन कहां होगा, एसएस एसपी और पीपी को एक्सियल में होगा यानी समाक्ष में हो जाता है, जबकि हम साइड वाइज यानी कि पार्श्व की अतिव्यापन की तरफ चलेंगे तो वहां पर पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो जो डेजिग्नेशन होगा, जो नोटेशन होगा, वो हम लोग किससे रिप्रेजेंट किए, पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के द्वारा उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। अब जब ओवरलैपिंग होती है तो ओवरलैपिंग में भी दो कंडीशन होती है, पहली कंडीशन क्या होती है कि उनका एडिशन हो जाए और दूसरी कंडीशन उनका सब्सट्रैक्शन हो जाए। जब उसमें एडिशन होगा यानी योगात्मक तरीके से होती है तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन हो जाता है, जबकि वहां पर सब्सट्रैक्शन होता है घट जाती है माइनस होता है तो वहां पर एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन हो जाता है। इस तरीके से हम लोग क्या कह सकते हैं कि एस और पी जो ऑर्बिटल होते हैं उनका लीनियर कॉम्बिनेशन हो जाता है और एस और पी ऑर्बिटल के लीनियर कॉम्बिनेशन से क्या बनता है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को हम लोग सिग्मा पाई और डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। ये तो बात हमारी किसकी हुई, डेजिग्नेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की हमारी बात होगी। अब इस डेजिग्नेशन के बाद हम लोग चलेंगे टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की तरफ। अब हम इस वीडियो के नेक्स्ट सेगमेंट में चल रहे हैं। पहले के अंदर हम लोगों ने देखा था, फर्स्ट सेगमेंट जो हमारा था उसके अंदर हमने पढ़ा इसके अंदर के रूल्स ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। सेकंड वाला जो हमारा सेगमेंट था उसमें पढ़ा हमने डेजिग्नेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल यानी आणविक कक्षकों का निर्देशन, और जो थर्ड सेगमेंट में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उसमें दिया हुआ है इसके अंदर क्या, टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल यानी अणु कक्षकों के प्रकार। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो होते हैं यानी आणविक कक्षक होते हैं उनको कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, तो आणविक कक्षक यानी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को हमने कहा है कि थ्री टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अणु कक्षक कितने प्रकार के होते हैं, तो अणु कक्षक तीन प्रकार के होते हैं। पहला जो हम लोगों ने बात करी वो होता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जिसको हम लोग हिंदी में आबंधिक अणु कक्षक कहते हैं। दूसरा जो होता है वो होता है नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जिसे हम लोग हिंदी में अनाबंधित अणु कक्षक कहते हैं। और तीसरा होता है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल यानी प्रति आबंधित अणु कक्षक। इन तीनों को हम वन बाय वन समझते हैं। सबसे पहले यदि हम बात करें यहां पर, तो सबसे पहले आपको दिया हुआ है बोर्ड पे दिखाई दे रहा वो है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, यानी वे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं जिनका ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट करने वाले जो एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं उनसे उसकी एनर्जी लेस होती है। कैसे, हमने कहा कि हमारे पास में दो एटॉमिक ऑर्बिटल है, दो एटॉमिक ऑर्बिटल ने कंबाइन किया तो डेफिनेटली जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइन करेंगे तो हम लोग जानते हैं कि दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन जाते हैं। क्लियर, अब जो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन रहे हैं जिसकी एनर्जी लो होती है उसको बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं। तो हमने कहा कि वे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट करने वाले दो एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी से कम होती है, पांच मिनटों ठीक है, तो क्या होता है कि जिनकी एनर्जी क्या हो जाती है, लो हो जाती है। अर्थात हम क्या कह सकते हैं कि ओवरलैपिंग से पूर्व इलेक्ट्रॉनों पहले एटॉमिक ऑर्बिटल जो होते हैं उनकी एनर्जी क्या होती है, उसकी एनर्जी से कम हो जाती है। तो हम कह सकते हैं अ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या कहा जाए, तुम क्या कह सकते हैं कि अ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल दैट इज ऑब्टेन बाय द एडिशन ऑफ ओवरलैप व्हेन द लॉस ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप विद द सेम साइन। जब सेम साइन वाले एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइन होते हैं तो टू एटॉमिक ऑर्बिटल इज नोन एज द बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और इसे हम क्या कहते हैं, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के नाम से जान सकते हैं। देखो खास बात यह है कि इसकी एनर्जी क्या होती है, लो होती है,
तो जब एनर्जी लो होती है तो ये क्या हो जाता है, स्टेबल होता है, तो ये अपने आप में स्टेबल कंडीशन में होता है। दूसरा जो हम लोगों ने देखा है इसके अंदर वो होता है नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल यानी अनाबंधित अणु कक्षक। यदि हम कहें तो इन ऑर्बिटल की एनर्जी जो ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट करने वाले जो दो एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं, तो जो दो एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं उन एटॉमिक ऑर्बिटल के इक्वल, तो दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल के इक्वल जब एनर्जी होती है तो उस एनर्जी को कहा जाता है नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल तब बनते हैं जब उन एटॉमिक ऑर्बिटल में आपस में कोई भी इंटरेक्शन नहीं होता, यानी एक ऑर्बिटल दूसरे ऑर्बिटल से इतना अधिक डिस्टेंस पे होता है कि उनकी ओवरलैपिंग नहीं हो पाती है। और आगे यदि हम कहें तो एटॉमिक ऑर्बिटल की सिमेट्री आपस में कभी भी मैच नहीं करती है, तो जब मैच नहीं करेगी तो डेफिनेटली उनमें ओवरलैपिंग नहीं होता है। आगे बात करें हम लोग, एक एटॉमिक ऑर्बिटल की जो एनर्जी होती है वो दूसरे एटॉमिक ऑर्बिटल से जब मैच नहीं करती है, सेम नहीं होती है, तो ओवरलैपिंग नहीं करती। तो जब उनमें ओवरलैपिंग नहीं होगा तो उसकी एनर्जी यानी एटॉमिक ऑर्बिटल के इक्वल जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी हो जाती है तो उसको हम लोगों ने नाम दे दिया नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, यानी कि जिसमें बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होता है। लास्ट जो दिया हुआ है वो एंटीबॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, यानी जिसकी एनर्जी दो एटॉमिक ऑर्बिटल के कॉम्बिनेशन होने से जिसकी एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल के कंपेयर में ज्यादा हो जाए, तो वे ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी बॉन्ड में पार्टिसिपेट करने वाले एटॉमिक ऑर्बिटल की तुलना में ज्यादा हो जाए, इन ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनों की फिलिंग से सिस्टम की एनर्जी इंक्रीज हो जाए, अर्थात सिस्टम अनस्टेबल हो जाए, और इनमें इलेक्ट्रॉनों का फिलअप करने पर उस सिस्टम पर अपोजिट इफेक्ट पड़े, तो ऐसे ऑर्बिटल को हम लोग एंटीबॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं, यानी इन्हें प्रतिबंधित आणविक कक्षक के नाम से जाना जाता है। तो हम क्या कह सकते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल दैट ऑब्टेन्ड बाय द सबस्ट्रेट ओवरलैपिंग, यानी जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैपिंग तो कर रहे हैं पर उनमें क्या हो रहा है, सबस्ट्रेक्शन हो रहा है, वो आपस में घट जाते हैं, तो टू एटॉमिक ऑर्बिटल इज नोन एज एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और उसे किस नाम से जाना जाएगा, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के नाम से जाना जाएगा। और यह इसकी एनर्जी ज्यादा हो गई तो एनर्जी ज्यादा होने के कारण इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, लो हो जाती है, तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज मोर स्टेबल इन कंपेयर टू एंटीबॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो ये तो हमारा हुआ, किसकी बात हुई, टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कौन कौन से, बॉन्डिंग, नॉन बॉन्डिंग और एंटीबॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। अब हम बात करने जा रहे हैं ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, यानी आणविक कक्षकों के स्थायित्वता का क्रम। हम बात करें आणविक कक्षकों के स्थायित्वता का क्रम किस प्रकार हो सकता है, उससे पहले यदि हम बात करें किसकी, होमोन्यूक्लियर डायएटॉमिक मॉलिक्यूल्स की, हम बात करने जा रहे हैं किसकी, होमोन्यूक्लियर डायएटॉमिक मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं। जब होमोन्यूक्लियर डायएटॉमिक मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं तो हम ये कह सकते हैं कि होमोन्यूक्लियर डायएटॉमिक मॉलिक्यूल कंपोज्ड टू आइडेंटिकल एटम ऑफ पी ब्लॉक्स, पी ब्लॉक के दो आइडेंटिकल एटम जब कंबाइन होते हैं और वो जो एलिमेंट्स होंगे एटम होंगे वो सेकंड पीरियड के जब कंबाइन होते हैं तो टू एटम हैज द फाइव एटॉमिक ऑर्बिटल। दो एटम कितने एटॉमिक ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं, तो फाइव एटॉमिक ऑर्बिटल की। हम बात कर रहे हैं टू पी की, तो उसमें सबसे पहले आता है 1s, दूसरे नंबर पर आता है 2s, फिर आता है 2px, फिर आता है 2py और उसके बाद आता है 2pz। तो टोटल हमारे पास में यहां पर 5 ऑर्बिटल दिखाई दे रहे हैं। तो हमने कहा कि इट विल नोटिस दैट इन द होमो न्यूक्लियर डायएटॉमिक मॉलिक्यूल कंपोज्ड ऑफ टू आइडेंटिकल एटम ऑफ पी ब्लॉक, यानी पी ब्लॉक
एलिमेंट्स के या पी ब्लॉक के दो आइडेंटिकल एटम जब कंबाइन होते हैं तो वो होमोन्यूक्लियर डायएटॉमिक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। अब हम यहां पर टू एटम बात कर रहे हैं और दो एटम के फाइव एटॉमिक ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं। कितने एटॉमिक ऑर्बिटल की बात करी इन लोगों ने, यहां पर लिखा फाइव एटॉमिक ऑर्बिटल की बात करी इन लोगों ने। तो ये फाइव एटॉमिक ऑर्बिटल है, तो दिस फाइव एटॉमिक ऑर्बिटल वन एटम ऑफ द होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल इट विल बी कंबाइन विल दोज अदर ऑल फाइव एटॉमिक ऑर्बिटल्स। तो दिस फाइव एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइंड विद अनदर टाइप ऑफ फाइव एटॉमिक ऑर्बिटल्स, तो टोटल फॉर्म 10 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। हमने कहा कि हमारे पास में पांच एटॉमिक ऑर्बिटल जब इन्हीं पांच एटॉमिक ऑर्बिटल से कंबाइन होते हैं, जुड़ते हैं, तो वहां पर वह 10 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन कर देते हैं। जो 10 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का जो यहां पर फॉर्मेशन हो रहा है वो किस तरीके से उनका रिप्रेजेंटेशन किया जाएगा, तो उनको सबसे पहले लिखेंगे हम सिग्मा 1s, फिर सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, फिर लिखा जाएगा 2p, फिर बात आई देखो ये बात किसकी हो गई 1s और 2s। तो हमारे पास में 1s कितने दो है, 2s भी कितने दो है, तो जब 1s 2 है 2s 2 है तो कुल मिला के दो और दो कितने हो गए चार हो गए। तो ये चार मिलकर कितने बनाए, तो इन चार एटॉमिक ऑर्बिटल ने चार मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन कर लिया। तो कहने का मतलब है कि पांच एटॉमिक ऑर्बिटल फिर अनादर फाइव एटॉमिक ऑर्बिटल से कंबाइन होते हैं तो 10 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो ये तो हमने कितने लिख दिए 1s सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s सिग्मा 2s और सिग्मा स्टार 2s। इसके बाद चलते हैं हम लोग सिग्मा 2px की तरफ, तो सिग्मा 2px सिग्मा स्टार 2px क्लियर। इसके बाद बात करेंगे, ये तो बात किसकी हो गई 2px की बात हो गई, अब px के बाद में क्या आएगा py की तरफ चल रहे हैं। तो अब चल जा रहे px से कहां जा रहे हैं हम लोग py की तरफ हम लोग जा रहे हैं, तो हम यहां पर लिखेंगे पाई, नेक्स्ट आ जाएगा पाई 2py पाई स्टार 2py क्लियर। उसके बाद हम कहां जा रहे हैं z की तरफ जा रहे हैं, जब हम z की तरफ चलेंगे तो यहां पर हम लिख देंगे कि सिग्मा 2pz सिग्मा स्टार 2pz इस तरीके से लिखा जाएगा। तो ये जो px py है इसको हम पाई के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो ये दो पाई हो जाते हैं मतलब चार पाई और दो सिग्मा हो जाते हैं। तो कुल मिलाकर पांच एटॉमिक ऑर्बिटल जब कंबाइन होते हैं तो 10 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन कर लेते हैं। द फॉर्मेशन ऑफ दिस 10 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल टेक्स प्लेस इन द फॉलोइंग ऑर्डर। अब हम इनको एक ऑर्डर के सिक्वेंस में अरेंज कर रहे हैं। ऑर्डर के सिक्वेंस में कैसे अरेंज करते हैं, बात करते हैं कैसे अरेंज किया जाता है। सबसे पहले बात करेंगे 1s एटॉमिक ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं, तो 1s एटॉमिक ऑर्बिटल क्या देगा, तो 1s एटॉमिक ऑर्बिटल गिव 1s एटॉमिक ऑर्बिटल जब कंबाइन होगा तो क्या देगा सिग्मा 1s एंड सिग्मा 1 सिग्मा स्टार 1s मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसी टाइप से क्या कहेंगे हम 2s एटॉमिक ऑर्बिटल गिव सिग्मा 2s एंड सिग्मा स्टार 2s मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब आगे चलते किसकी तरफ, हम चलते 2px की तरफ, तो हमने लिखा 2px एटॉमिक ऑर्बिटल क्या देगा सिग्मा 2px एंड सिग्मा स्टार 2px मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब हम जा रहे हैं किसकी तरफ, py की तरफ जा रहे हैं लोग, तो हमने लिखा 2py एटॉमिक ऑर्बिटल गिव पाई 2py एंड पाई स्टार 2py मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसी तरीके से किसकी तरफ जा रहे हैं 2pz
एटॉमिक ऑर्बिटल गिव पाई टू पी जेड एंड पाई स्टार टू पी जेड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्लियर हो गया। तो ये तो हमारे कितने हो गए, पांच एटॉमिक ऑर्बिटल में जब अगले पांच एटॉमिक ऑर्बिटल से कंबाइन हुए तो हमें इस तरीके से 10 एटॉमिक ऑर्बिटल मिल जाते हैं। और अल्ट्रावायलेट मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा के बेसिस पर उनके एनर्जी सीक्वेंस को हम अब लिख रहे हैं। उनका एनर्जी सीक्वेंस सबसे लोअर एनर्जी में होगा सिग्मा स्टार, उसके बाद सेकंड नंबर की एनर्जी आएगी सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, नेक्स्ट सिग्मा 2s, उसके बाद सिग्मा स्टार 2s, उसके बाद हम चले जाएंगे किसकी तरफ, px की तरफ। तो हम यहां लिखेंगे सिग्मा 2pz। आगे चले तो ये इसकी जो एनर्जी है ये लो हो गई। अब उसके बाद क्या आएगा, पाई टू पी वाई यहां पर आ जाएगा। आगे चलें तो उसके बाद आ जाता है पाई टू पी एक्स, तो एक्स की एनर्जी लो होती है, वाई की थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है। अब इसका एंटी बॉन्डिंग, तो पाई स्टार टू पी वाई पाई स्टार टू पी एक्स और लास्ट में आ जाएगा सिग्मा स्टार टू पी जेड। तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। तो यहां पर हमने इनके एनर्जी सीक्वेंस में इस तरीके से लिखा, तो ये बात किसकी हो गई, ये इस तरीके से लिखा जा सकता। अब देखो हमने यहां पर आप लोगों को कंफ्यूजन हो रहा होगा कि सर यहां तो आपने पी वाई और पी एक्स को तो सिग्मा बता रखा है, ठीक है, सॉरी पाई बता रखा है, और यहां पर इस जेड को क्या बता दिया हम लोगों ने, सिग्मा बता दिया। तो यहां पर भी लिख सकते हो, कोई परेशानी नहीं होगी। यदि हम इसको लिखना चाहें तो हम इसको यहां पर सिग्मा बता दो, इसको भी सिग्मा बता दो, इसको चाहे तो पाई से रिप्रेजेंट कर सकते, इस तरीके से इसको लिखा जा सकता है। तो ये तो बात हमारी हो गई इसके एनर्जी सीक्वेंस की, और बात होती ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, यानी एटॉमिक ऑर्बिटल के कंबाइन होने से जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं उनकी स्टेबिलिटी का सीक्वेंस हम लोगों ने यहां पर इस तरीके से रिप्रेजेंट किया। अब इसमें आगे चलते हैं और हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। बात हो रही है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, जो मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है यानी उसमें जब हम इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अमंग द वेरियस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज नॉन एज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जो एटॉमिक ऑर्बिटल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उन इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन यानी वितरण जब हम आणविक कक्षक अर्थात मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में करते हैं तो उसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के जरिए प्रदर्शित किया जाता है। यदि हम कहें कि इट कैन बी सप्लाई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द मॉलिक्यूल्स, और ये मॉलिक्यूल की पूरी इंफॉर्मेशन दे सकता है ऑन द बेसिस ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, किसके द्वारा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के द्वारा। इट इज पॉसिबल टू फाइंड आउट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एन बी। हम क्या करें कि यहां पर जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसकी बात हो रही है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इट इज डिनोटेड बाय एन बी। एंड एन ए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, यानी बंधित आणविक कक्षकों को हम एन बी से रिप्रेजेंट करते हैं और अबंधित आणविक कक्षकों को हम लोग एन ए से रिप्रेजेंट करते हैं। अब बात करते हैं हम स्टेबिलिटी की, मॉलिक्यूल कब स्टेबल हो सकता है, तो पहली कंडीशन की जो बात की जाए, तो हम यहां पर तीन कंडीशन की बात कर रहे हैं। कौन कौन सी कंडीशन, पहली
एन बी ग्रेटर देन एन ए, सबसे पहली कंडीशन, जब एन बी बड़ा है एन ए से। दूसरी कंडीशन एन बी लेस देन एन ए, और तीसरी कंडीशन है एन बी इक्वल टू एन ए। तीन कंडीशन हो सकती है। तो ऐसी कंडीशन में पहली में तो क्या होगा, मॉलिक्यूल स्टेबल यानी कि स्थाई हो जाता है। दूसरी और तीसरी कंडीशन में मॉलिक्यूल अस्थाई रहता है यानी कि अनस्टेबल रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज इक्वल टू द एंड डू नॉट कंबाइन टू फॉर्म द मॉलिक्यूल्स। जब एन बी और एन ए इक्वल हो गए तो मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन नहीं होता, और एन बी एन ए ज्यादा है और एन बी कम है, तो ऐसी कंडीशन में मॉलिक्यूल का यानी कि मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन नहीं हो सकता है। इसके बाद बात अभी यहां पर हमारी किसकी हुई है, हमारी बात हुई पहली कंडीशन की, यानी एन बी क्या होना चाहिए, ऑलवेज ज्यादा होना चाहिए इन कंपेयर टू एन ए के, तो वहां पर क्या होगा, मॉलिक्यूल स्टेबल हो जाता है। तो ये तो बात होती है हमारी किसकी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ मॉलिक्यूल के बेसिस पर यदि हम फार्मूला लिखें, किसको निकालने का, बॉन्ड ऑर्डर को निकालने का, तो हम बात करते हैं एन बी और एन ए के बेसिस पर टू कैलकुलेट बॉन्ड ऑर्डर ऑफ द डाई एटोमिक मॉलिक्यूल्स। तो बात हो रही यहां पर हमारे पास में अब बॉन्ड ऑर्डर की, तो बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है, तो बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू बड़ा सिंपल सा फार्मूला, फॉर्मूला नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बाय टू। ये बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला, और इसको सिंपल सा लिखना है तो वन बाय टू एन बी माइनस एन ए या एन बी माइनस एन ए बाय टू। इस तरीके से हम लोग डाई एटोमिक मॉलिक्यूल के बॉन्ड ऑर्डर को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस फार्मूले के द्वारा आप क्या कर सकते हैं, बॉन्ड ऑर्डर को कैलकुलेट कर सकते हैं कि उसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा। अब बॉन्ड ऑर्डर का फार्मूला आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया हो तो इसके बाद बात करते हैं हम इंपॉर्टेंस ऑफ बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर का क्या इंपॉर्टेंस है, तो हम पढ़ने जा रहे हैं हम लोग इंपॉर्टेंस ऑफ बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर का क्या इंपॉर्टेंस है उसकी तरफ चल रहे हैं लोग। अब बात करते हैं लोग बॉन्ड ऑर्डर का इंपॉर्टेंस। देखो बॉन्ड ऑर्डर किस किस काम में आती है, इसका इंपॉर्टेंस क्या क्या है। सबसे पहले बात करते हैं आबंध की प्रकृति। सबसे पहले क्या पता कर सकते हैं हम लोग, आबंध की प्रकृति यानी कि नेचर ऑफ बॉन्ड। बॉन्ड किस नेचर का है, तो किसी मॉलिक्यूल में बॉन्ड ऑर्डर का पॉजिटिव होना यह क्लियर करता है कि बॉन्ड स्टेबल है। तो बॉन्ड क्या हो, यदि वैल्यू पॉजिटिव है तो हम कह सकते हैं वो बॉन्ड क्या होगा, स्टेबल होगा, और कंपाउंड भी क्या होगा, स्टेबल होगा। इफ जब बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू नेगेटिव या जीरो आ जाती है तो वो मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा, ठीक है, यानी कि अस्थाई होता है। दूसरी है डिसोसिएशन एनर्जी, यानी कि वियोजन ऊर्जा, डिसोसिएशन एनर्जी यानी वियोजन ऊर्जा। किसी मॉलिक्यूल की डिसोसिएशन एनर्जी उस तथा उसकी स्टेबिलिटी बॉन्ड ऑर्डर के प्रोपोर्शनली होती है। क्या कह रहे हम लोग, किसी मॉलिक्यूल की डिसोसिएशन एनर्जी तथा स्टेबिलिटी उस मॉलिक्यूल की बॉन्ड ऑर्डर के प्रोपोर्शनली होती है, यानी कि बॉन्ड ऑर्डर
अधिक होने पर स्टेबिलिटी भी ज्यादा हो जाती है। तो हम क्या कह सकते हैं, बॉन्ड ऑर्डर विल बी मोर देन द मॉलिक्यूल ऑल्सो स्टेबल। तो किसी मॉलिक्यूल की, किसी अणु की वियोजन की ऊर्जा तथा स्थायित्वता उस अणु की आबंध कोटि के समानुपाती होता है। आबंध कोटि अधिक होने पर स्थायित्वता भी अधिक हो जाती है, यानी बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होने पर स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। थर्ड कंडीशन है बॉन्ड लेंथ, हिंदी में कहें तो बंधन। अब किसी मॉलिक्यूल का जो बॉन्ड लेंथ होती है वो बॉन्ड ऑर्डर के रेसिप्रोकल होती है। कहने का मतलब है कि जब बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज होगा तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। क्लियर है, बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। जैसे कि हमने कहा एन ट्रिपल बॉन्ड एन, ओ डबल बॉन्ड ओ, सी एल सिंगल बॉन्ड सी एल। तो सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर तीन होती है नाइट्रोजन की, यानी एन टू मॉलिक्यूल की, और टू की होती है दो, और सी एल टू की बॉन्ड ऑर्डर होती है वन। पर बॉन्ड लेंथ की बात करें तो सबसे कम इसकी हो जाएगी और सबसे ज्यादा इसकी हो जाती है। नेक्स्ट है मैग्नेटिक इफेक्ट, यानी चुंबकीय गुण। मैग्नेटिक इफेक्ट यानी चुंबकीय गुण, बॉन्ड ऑर्डर की हेल्प से हम लोग मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। यदि सभी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड कंडीशन में है तो वहां पर मॉलिक्यूल, इलेक्ट्रॉन किस कंडीशन में, पेयर कंडीशन में, तो मॉलिक्यूल डायमैग्नेटिक हो जाए, और इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड कंडीशन में तो मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक हो जाता है। तो ये हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का भी डिस्क्रिप्शन यहां पर कर सकते हैं। क्लियर है, तो हमने बात करी आबंध की प्रकृति की, उसकी डिसोसिएशन एनर्जी की, बॉन्ड लेंथ की, और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की। ये तो बात हमारी हो जाती है कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, बॉन्ड लेंथ, डिसोसिएशन एनर्जी और उसका नेचर की। तो ये होती है बॉन्ड ऑर्डर और इंपॉर्टेंस ऑफ बॉन्ड ऑर्डर। ये हमारा मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी का जो सेकंड जो लेक्चर है उसका फर्स्ट पार्ट हमने पहले पढ़ चुके हैं। ये हमारा आज सेकंड पार्ट, हमने इस लेक्चर के अंदर सेकंड पार्ट को देखा। अब थर्ड पार्ट के लिए आपको अगला वीडियो बहुत जल्दी उपलब्ध हो जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।